Hello everyone, a very splendid good morning all of you guys. How are you doing all? I hope that you will have well, you will have healthy, you will have safe, you will have happy. I am Dr. Arun. You are watching our YouTube channel, The Essential Knowledge For You. You all are very welcome in our YouTube channel, The Essential Knowledge For You. If you are new to our YouTube channel, if you haven't subscribed our YouTube channel yet, so guys, please kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon button press for watch more videos. सो गाइस आई एम बैक ब्रिंग विद एनी वीडियो कैन गाइस. सो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ गाइस. सो गाइस मैं आप सभी के लिए फिर से एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा इस बार से. सो गाइस आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में. अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई वीडियो डालते रहता हूँ गाइस. लाइक मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइस, लाइक डिजीज से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ, लाइक सॉल्यूशन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइस, लाइक होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ, लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइस. कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँ, ऐसी वीडियो लाता रहूँ गाइस. सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करना भूलें. सो गाइस आज की डे हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ड्राई फ्रूट से रिलेटेड जो कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है गाइस, आप सभी के लिए क्रिटिकल हो सकता है गाइस. सो गाइस आप सभी इसको नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते होंगे गाइस, लाइक नॉर्मली इसको आप खाते होंगे गाइस. सो गाइस हम बात करेंगे छुआरों के बारे में, लाइक ड्राई डेट्स के बारे में, लाइक जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस. सो गाइस मैं आप सभी को इसके कुछ ऐसे क्रिटिकल यूज़ आपको बताऊं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, आप सभी के लिए क्रिटिकल हो सकता है गाइस. सो गाइस मैं आपको बताऊं किन डिजीज़ में इसको जो है यूज़ किया जाता है, लाइक किन वजह से काम आता है और क्या आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा, लाइक कैसे आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको लेना है, लाइक कितने टाइप को यूज़ करना है, किसके साथ आपको यूज़ करना है, लाइक कितने टाइप के इसमें विटामिन पाए जाते हैं, कितने टाइप के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं गाइस. सो गाइस की कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा गाइस. सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें गाइस. सो गाइस आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर एंड डू स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर. सो गाइस प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड गाइस. सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें गाइस. सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड गाइस. सो गाइस मैं आपको बताता हूँ किन डिजीज़ में इस लाइक इस ड्राई फ्रूट को यूज़ किया जाता है, लाइक किन वजह से काम आता है और क्या आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा. सो गाइस अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँ, काफ़ी डिजीज़ में इस ड्राई फ्रूट को यूज़ किया जाता है, लाइक बहुत सी बीमारी में काम आता है गाइस ये. सो गाइस मैं आप सभी को इसके बताता हूँ इसके बारे में गाइस. सो गाइस ये बात करूँ आपके जो है डाई सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा एक जो है ड्राई फ्रूट है गाइस. जैसे कि बात को आपको जैसे कि कब्ज जैसा आपको रहती है, लाइक जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसा आपको हो रहेगा, लाइक पेट साफ आपका सही से नहीं हो पा रहा है, लाइक हार्ड स्टूल जैसा आपको आते हैं, ड्राई स्टूल जैसा आपको आते हैं, लाइक डिफ़िकल्टी स्टूल जैसा आपको आते हैं गाइज, लाइक पोटी बहुत ज़्यादा सख्त आती है, लाइक पत्थर जैसी आती है, लाइक एक से दो दिन में फ्रेश आप हो पा रहे हैं गाइज. लाइक ये बात करो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक ड्राई फ्रूट है, लाइक सॉल्यूशन है गाइज ये. लाइक इससे कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक है, लाइक पुराना है, लाइक काफ़ी लंबे समय से है, लाइक आपको वन मंथ, लाइक थ्री मंथ्स या फिर सिक्स मंथ्स वन ईयर से है, लाइक इसको जैसे कंट्रोल करने के लिए गाइस आप जैसे कि उसको जैसे पेट साफ करने के लिए गाइस जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन जैसे यूज़ आप कर रहे हैं गाइस, जो कि आप सभी के लिए जो है बस ये पेट साफ करने का काम करेगा, इससे आपको जो है छुटकारा नहीं मिलेगा इस डिजीज से, आप जो है आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी गाइस. और अगर इसका यूज़ आप करते हैं, सॉल्यूशन का यूज़ आप करते हैं गाइस, सो गाइस आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आप जो है परमानेंटली ठीक हो पाएंगे गाइस. लाइक जैसे कि मैं बात करूँ ये जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक ड्राई फ्रूट है गाइस ये. सो गाइस ये बात करूँ आपको जो है जैसे कई बार देखा जाता है कि आयरन कमी जैसे होने लगती है गाइस, लाइक जैसे खून की कमी से होने लगती है, लाइक एनीमिक कमी से होने लगती है, लाइक जैसे कि आपकी जो बोन है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, लाइक आपकी जो हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उनमें जो कटकटाहट आपकी आवाज़ आती है, लाइक क्रैकिंग साउंड जैसे आता है गाइस. लाइक ये बात करूँ आपके जो है बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा एक जो है ड्राई फ्रूट है गाइस. सो गाइस जैसे बात करूँ आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा जो है एक ड्राई फ्रूट है जैसे गाइस ये. आपके बालों के लिए, आपके बालों की जैसे थिकनेस जैसे हो रही है गाइस, आपके बाल बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत हल्के हो रहे हैं, लाइक काफ़ी जैसे बाल आपके झड़ रहे हैं गाइस और काफ़ी जो है वीक हो चुके हैं, आपके जो बाल की जो आपके जो हेयर रूट हैं बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं गाइस और काफ़ी ज़्यादा आपको जो हेयर लॉस आपको हो रहा है गाइस. लेकिन हेयर के लिए बहुत ही अच्छा जो है एक ड्राई फ्रूट है गाइस ये. लाइक आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है गाइस, जैसे कि आपकी जो स्किन है लाइक ड्राई जैसे रहती है, लाइक सूखापन जैसे उसमें रहता है, लाइक आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा एक जो है ड्राई फ्रूट है गाइस ये.
लाइक जैसे बात करूँ आपकी आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा है जो है कि ड्राई फ्रूट है, जैसे कि बात करूँ आपके आई के विज़न है लाइक आपकी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपका दूर की चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं, पास की चीज़ें आप देख पाते हैं, लाइक आपके आई विज़न बहुत ज़्यादा वीक है गाइज़, ये आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा है जो है कि ड्राई फ्रूट है गाइज़। लाइक ये बात करूँ आपके जो है आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है जो ड्राई फ्रूट है गाइज़। लाइक ये लेडीज़ के लिए काफ़ी इफेक्टिव ड्राई फ्रूट है गाइज, कई बार देखा जाता है लेडीज़ में एक ऐसी डिजीज़ पाई जाती है, एक ऐसी बीमारी पाई जाती है जो कि हर लेडीज़ में होती है लाइक हर औरतों में पाई जाती है गाइज। सो गाइज ये बात करूँ मेंसेस ना आने की शिकायत, जिससे बात करूँ मेंसेस उनको प्रॉपरली नहीं आते हैं, लाइक मेंसेस आते हैं तो काफ़ी पेनफुल आते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा दर्द अनुयुक्त आते हैं, लाइक काफ़ी जलनशील आते हैं, लाइक इरिटेबल आते हैं गाइज, और काफ़ी बात करूँ उनको जो है बहुत दर्द होता है जब मेंसेस उनको आता है गाइज। और ये प्रॉब्लम बात करूँ गाइज ये विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं गाइज, लाइक ये सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा ये जो है बीमारी पाई जाती है गाइज। लाइक ये उसके लिए काफ़ी अच्छे एक ड्राई फ्रूट है गाइज, इसके यूज़ से लाइक मेंसेस जो है प्रॉपरली आने लगेंगे, लाइक उनको मेंसेस आने में कोई भी उनको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोई भी समस्या उनको नहीं होगी, लाइक उनको पेनफुल मेंसेस उनको नहीं आएंगे, लाइक उनको इरिटेबल मेंसेस उनको बिल्कुल नहीं आएंगे, लाइक उनको बात करूँ वो जो है जलनशील मासिक धर्म उनको नहीं आएंगे गाइज। लाइक कई बार ऐसा होता है उनको मेंसेस ना आने की वजह से उनको बैकेज जैसा होने लगता है, लाइक उनको जैसे कमर में दर्द उनको होने लगता है, लाइक उनको सिर में दर्द जैसा उनको होने लगता है गाइज, लाइक जैसे कॉलिक पेन उनको जैसा होने लगता है, जैसे कि उनको पेट में दर्द उनको जैसा होने लगता है गाइज। कई बार ऐसा होता है उनको डायरिया भी लग जाते हैं, जैसे दस्त भी उनको लग जाते हैं गाइज। सो गाइज ये बात को इसके यूज़ से काफ़ी अच्छा आपको इस रिजल्ट में देखने को मिलेगा गाइज। लाइक ये बात को आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे आपके जैसे हार्ट की वीकनेस के लिए लाइक हार्ट जैसा वीक हो जाता है कमज़ोर हो जाता है, लाइक ये हार्ट की वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा एक ड्राई फ्रूट है गाइज। लाइक इसके यूज़ से गाइज जैसे आपके जो आरबीसी सेल्स हैं लाइक आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी इससे इंक्रीज़ होंगे अगर आप इसका यूज़ करते हैं। लाइक कई बार देखा था कि आरबीसी सेल जो होते हैं लाइक वो डिक्रीज हो जाते हैं कम हो जाते हैं, लाइक इसके यूज़ से आरबीसी सेल्स भी आपके इंक्रीज़ होंगे, लाइक आरबीसी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा जो एक सॉल्यूशन है गाइज। लाइक ये बात करूँ कई बार देखा जाता है कि जब विंटर सीजन में कई बार ऐसा होता है कि लाइक कफ डिजीज जैसा हो जाती है, लाइक खांसी रोग जैसा हो जाता है, लाइक कोराइज जैसा हो जाता है, लाइक जैसे कि सर्दी जुकाम जैसा लग जाता है, फीवर जैसा आने लगता है, छीके जैसा आने लगती है, लाइक रनी नोज जैसा होने लगता है, लाइक नज़ला जैसा हो जाता है, लाइक जैसे आपके जो फेफड़े जो होते हैं लाइक आपके ब्रोंकाइटिस जो होते हैं लाइक उनमें स्वेलिंग जैसा आ जाती है, लाइक उन जैसे उनमें जो है कफ जैसे चिपक जाता है और फेफड़ों में बहुत ही जकड़न जैसे होने लगती है, इन्फेक्शन जैसे लग जाता है गाइज। लाइक इसके लिए काफ़ी अच्छा एक जो है एक सॉल्यूशन है गाइज ये। लाइक इसके यूज़ से गाइज जैसे आपको जो है कई बार देखा जाता है कि मेंस जैसे आदमियों में जो है एक ऐसी बीमारी लग जाती है, एक ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो कि आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फैल रही है गाइज। सो ये बीमारी बात करूँ एक शीघ्र पतन की बीमारी होती है लाइक प्रीमेच्योर एजेकुलेशन जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं गाइज, लाइक उसके लिए बहुत ही अच्छा एक जो है सॉल्यूशन है गाइज, लाइक काफ़ी अच्छा ड्राई फ्रूट है गाइज। लाइक इसके यूज़ से आपको शीघ्र पतन की बीमारी से आप जो है निजात आप पा सकते हैं, इस डिजीज़ से आप डिस्चार्ज हो पाएंगे गाइज, लाइक आपके शीघ्र पतन की बीमारी से आप जो है ठीक हो पाएंगे गाइज, और आपकी जो टाइमिंग बढ़ेगी इसके यूज़ से गाइज। अगर आपको जो है सेक्सुअल वीकनेस जैसे आपको आ रही है गाइज, लाइक जैसे आपको जो है आपको जो है प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत जैसे आपको हो रही है गाइज, इसके यूज़ से आपको ये बीमारी ठीक हो पाएंगी गाइज। लाइक कॉलिक पेन के लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है गाइज, कई बार देखा जाता है कि कॉलिक पेन जैसा होता रहता है लाइक पेट में दर्द जैसा होता रहता है, लाइक इंटॉलरेबल जैसे कॉलिक पेन जैसा आपको हो रहा है, लाइक ऐसा नहीं है पेट में दर्द जैसा आपको हो रहा है गाइज, लाइक क्रॉनिक कॉलिक पेन जैसा आपको हो रहा है गाइज, लाइक पेट दर्द पुराना है और काफ़ी लंबे समय से है, लाइक लॉन्ग टाइम से है, इसके यूज़ से आपको जो है पेट दर्द की शिकायत भी आप ये जो है इसका यूज़ आप कर सकते हैं, इसके यूज़ से गाइज आपको पेट दर्द की शिकायत भी दूर होगी, लाइक इस डिजीज़ से आप डिस्चार्ज हो पाएंगे, लाइक ये डिजीज़ आपकी रिकवर हो जाएगी गाइज। सो गाइज जैसे बात करूँ कई बार देखा जाता है कि डायरिया जैसे लग जाते हैं, लाइक दस्त जैसे लग जाते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा दस्त जैसा आपको आ रहे हैं गाइज और वो जो है कंट्रोल नहीं हो रहे गाइज, इसके यूज़ से आपके दस्त में भी इसको जो है यूज़ आप कर सकते हैं, लाइक ये डायरिया डिजीज के लिए भी इसको यूज़ आप कर सकते हैं गाइज। लाइक कई बार देखा जाता है कि हेडेक जैसे होता रहता है गाइज, लाइक जैसे कि काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है गाइज, लाइक क्रॉनिक हेडेक जैसे आपको हो रहा है गाइज, लाइक इनटॉलरेबल जैसे कि आपको हेडेक जैसे आपको हो रहा है, ऐसे ही सिर दर्द जैसे आपको हो रहा है गाइज और ये जो है लॉन्ग टाइम से आपको हो रहा है गाइज, इसके लिए आप जो है एलोपैथिक मेडिसिन जैसे यूज़ आप करें गाइज, लाइक जैसे कि पेन किलर जैसे आप यूज़ आप करें इसको कंट्रोल करने के लिए गाइज, इसके यूज़ से आपको जो है हेडेक की शिकायत भी दूर होगी, इस डिजीज़ से आप जो है डिस्चार्ज हो पाएंगे गाइज, लाइक ये हेडेक की जो डिजीज़ आपको हो रही है ये जो है रिकवर आपकी हो जाएगी गाइज।
लाइक ये बात को कई बार देखा जाता है कि भूख कम लगती है, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे रहती है, भूख का नहीं लगना, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, खाना खा लेते तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लाइक उल्टी जैसा आपको हो जाती है, वॉमिटिंग जैसा आपको होने लगती है, लाइक एसिड जैसा आपको बनने लगता है, खाना खाते पेट आपका फूलने लगता है। इसके यूज़ से आपको जो है भूख भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, लाइक भूख की शिकायत भी आपको जो है दूर हो जाएगी, भूख आपकी सही हो जाएगी, लाइक खाना अच्छे से आपको डाइजेस्ट होने लगेगा, लाइक जैसे आपको जैसे पेट आपको नहीं फूलेगा, लाइक आपको जो है खाना अच्छे से पचने लगेगा इस, और गैस भी आपको नहीं बनेगी, एसिडिटी बिल्कुल आपको नहीं बनेगी, पेट में दर्द भी आपको नहीं होगा, लाइक सिर दर्द भी आपको नहीं होगा गाइस इसके यूज़ से गाइस। लाइक कई बार देखा जाता है कि जैसे कि दस्त जैसे लग जाते हैं गाइस खाना खाते, जैसे लेटरिन में जाने का जैसे आपको जो है जाने लगते हैं खाना खाते हैं गाइस आप, लाइक इसके यूज़ से गाइस ये जो है इन डिजीज से आप डिस्चार्ज हो पाएंगे गाइस आप। लाइक ये इंजरीज के लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है गाइस। कई बार देखा जाता है कि इंजरी जैसे हो जाती है, लाइक चोट जैसे लग जाती है गाइस, लाइक वाउंड जैसे हो जाते हैं, घाव जैसे हो जाते हैं, लाइक वाउंड हीलिंग नहीं हो पाती, लाइक इंजरी रिकवर नहीं हो पाती, लाइक ठीक नहीं हो पाती आपकी चोट और आपके घाव जो है सही से भर नहीं पा रहे हैं। इसके यूज़ से आपके जो है वाउंड भी हील होने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक आपकी जो इंजरी वो भी रिकवर हो जाएगी, लाइक वो भी ठीक हो जाएगी। लाइक अगर आपको क्रॉनिक है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत से आपको देखने मिलेगा और इसका यूज़ करेंगे आप। सो गाइस ये बात को कई बार देखा जाता है कि आपके जो पुलमोनरी हैं, लाइक आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक वो वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं आपके जो पुलमोनरी है गाइस, लाइक पुलमोनरी की वीकनेस के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। लाइक आपके जो पुलमोनरी इन्फेक्शन जो जैसे हो रहा है, लाइक आपके जो फेफड़ों में जो जैसे कि आपके संक्रमण जैसे लग रहा है गाइस, इसके यूज़ से आपकी पुलमोनरी वीकनेस दूर होगी, लाइक ये आपके जो है फेफड़ों की जो इन्फेक्शन जो हो रहा है वो भी जो है ठीक होगा इसके यूज़ से गाइस। लेके आपके जो है ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस। कई बार देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता है, कई बार ऐसा होता है कि लो ब्लड प्रेशर की शिकायत जैसा होने लगती है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जैसा होने लगती है, लाइक इसके यूज़ से गाइस आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी दूर होगी, लाइक आपका अगर आपका लो ब्लड प्रेशर जैसा हो रहा है गाइस, इसके यूज़ से जो आपका जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, लाइक जो है सही से जो बढ़ेगा नहीं और नॉर्मल रहेगा इसके यूज़ से गाइस। लाइक ये बात करो आपके डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। लाइक अगर आपको जैसे डायबिटीज़ जैसा हो रही है गाइस आपको, लाइक अगर आपका जैसे डायबिटीज़ लेवल जो है कंट्रोल नहीं रहता है, लाइक जैसे आपको जो है डायबिटीज़ लेवल जो है कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है, कभी बढ़ने लगता है, कभी जो है कम होने लगता है गाइस, इसके यूज़ से आपका डायबिटीज़ लेवल भी जो है कंट्रोल रहेगा, लाइक जो है नॉर्मल रहेगा इसके यूज़ से गाइस। सो गाइस ये बात करो आपके जो है लाइक सीएटी की डिजीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। लाइक सीएटी के डिजीज़ के लिए भी इसको यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक ये बात करो आपके जो है प्रेगनेंसी टाइम में इसको यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि कई बार देखा जाता है जो गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं, लाइक प्रेगनेंट जो लेडीज़ होती हैं, लाइक उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल लाइक ये ड्राई फ्रूट है, लाइक ये सॉल्यूशन है गाइस। लाइक इसके यूज़ से जो है लाइक प्रेगनेंसी टाइम में भी काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा, लाइक इसके यूज़ से जो है प्रेगनेंसी टाइम में वीकनेस जैसे आती है, लाइक आयरन की कमी जैसे होने लगती है, लाइक खून की कमी जैसे होने लगती है गाइस, लाइक रेड ब्लड सेल की जैसे कमी होने लगती है, लाइक इसके यूज़ से रेड ब्लड सेल्स की जो है पूरा हुआ इसके यूज़ से गाइस, और जो है रेड ब्लड सेल जो इंक्रीज़ होंगे, लाइक एनीमिया की कमी दूर होगी, लाइक प्रेगनेंसी टाइम के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस। लाइक वीकनेस के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस। कई बार देखा जाता है कि दुबलापन जैसे रहता है, लाइक डेबिलिटी जैसे रहती है, लाइक जैसे आपका जो है दिन प्रतिदिन आपका वेट जो है डिक्रीज होता जा रहा है, लाइक आपका वेट जो है घटता जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस जैसे आप करते हैं, लाइक एग्जॉस्ट फील जैसे आप करते हैं, थकावट जैसे महसूस आप कर रहे हैं गाइस, लाइक इसके यूज़ से आपकी डेबिलिटी भी दूर होगी, लाइक दुबलापन भी दूर होगा, लाइक आपकी जो बॉडी की वीकनेस है वो भी दूर होगी, एग्जॉस्ट फील जैसे आप कर रहे हैं वो भी अब जो है ये जो है डिजीज़ आपकी रिकवर हो गई गाइस। लाइक इसके यूज़ से कई बार देखा जाता है कि आंतों में खुश्की जैसे आ जाती है, लाइक हार्डनेस जैसे आ जाता है, लाइक ड्राइनेस जैसे आ जाती है, लाइक इसके यूज़ से आपकी आंतों में खुश्की भी दूर होगी, लाइक ड्राइनेस भी दूर होगा, लाइक हार्डनेस भी दूर होगा गाइस। सो गाइस आपकी जो आंतें हैं, लाइक आपकी जो इंटेस्टाइन है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके जो है आंतों में जैसे कि मल जो चिपक जाता है, लाइक जो मल जमा रहता है, लाइक वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसके यूज़ से वो भी जो है ठीक होगा, लाइक वो भी रिकवर होगा गाइस। लाइक कई बार देखा जाता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लाइक आपके जो श्वास तंत्र है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक इसके यूज़ से आपके श्वास तंत्र की इन्फेक्शन भी दूर होगा, लाइक वो भी ठीक होगा इसके यूज़ से गाइस। लाइक हॉर्सीनेस वॉइस के लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है गाइस। कई बार देखा जाता है कि आपकी जो वॉइस होती है काफ़ी हैवी हो जाती है, लाइक भारीपन जैसा आपकी वॉइस में आ जाता है गाइस,
लाइक जैसे शॉर्ट थ्रोट जैसा आपको हो रहा है, लाइक गले में खराश जैसा आपको रहती है, लाइक थ्रोट पेन जैसा आपको हो रहा है, लाइक गले में दर्द जैसे आपको हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहेगा ये डिजीज़। इसके यूज़ से गाइस आपको जैसे हॉर्सनेस की शिकायत भी दूर होगी, लाइक आपकी जब वॉइस है काफ़ी ज़्यादा भारी जैसा हो रही है, इसके यूज़ से आपके जो है आवाज़ में भारीपन दूर होगा। लाइक जैसे गले में खराश जैसा आपको हो रहेगा, इसके यूज़ से वो भी ठीक होगी। लाइक जैसे कि गले में जैसे दर्द जैसा आपको हो रहा है गाइस, लाइक थ्रोट पेन जैसा आपको हो रहा है गाइस, इसके यूज़ से आपको जो है गले में दर्द जैसा आपको हो रहा है वो भी ठीक होगा गाइस इसके यूज़ से गाइस। सो गाइस कई बार देखा जाता है आपके जो स्टोमक होता है, लाइक आपको जो अमाशय होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लाइक इसके यूज़ से आपके स्टोमक की वीकनेस भी दूर होगी गाइस, लाइक इससे खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा गाइस इसके यूज़ से गाइस आपका। लाइक ये जो है बात करूँ आपको जो है एक लैक्सेटिव सॉल्यूशन है, जो पेट को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। लाइक ये परगेटिव भी कह सकते हैं इसको जो है, लाइक कब्ज नाशक भी है गाइस, इसे कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। लाइक आपके आंतों की वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। इंटेस्टाइन जो होते हैं आपकी जो वीक हो जाती हैं गाइस, इसके यूज़ से वो भी दूर होगी, लाइक वो भी रिकवर होगी गाइस। लेकिन ये बात को आपके जो है ब्लड जो होता है, लाइक वो जो ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो खून का बहाव होता है वो स्लो हो जाता है, लाइक इसके यूज़ से आपको जो है ब्लड फ्लो इंटेंस होगा, लाइक तेज़ होगा। और लाइक अब चिल्ड्रन बैड वीटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है गाइस। जैसे बात करूँ बच्चे से बिस्तर जैसे गीला कर देते हैं गाइस, लाइक सोते वक्त उनका पेशाब जैसे निकल जाता है गाइस, लाइक ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है गाइस ये। लेकिन निपुण सकता के लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है, जैसे इम्पोटेंसी जिसे हम कहते हैं गाइस, लाइक ईडी भी कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं गाइस, लाइक नामर्दी जिसे हम कहते हैं गाइस, लाइक ये मेंस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लाइक आदमी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाइस। लाइक जैसे अपनी वाइफ के संग सेक्सुअल एक्टिविटीज आप करते हैं, लाइक आपकी टाइमिंग जो है एक मिनट से भी कम है, लाइक जैसे आप लाइक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो आपको जल्दी डिस्चार्ज आपको हो जाता है, लाइक आपको सीमेन है काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है, लाइक पानी की तरह आपका निकलता रहता है। लाइक आपको जैसे की बात करूँ नाइट फॉल भी इससे आपको हो जाता है, लाइक स्वप्न दोष की शिकायत भी इससे आपको हो रही है गाइस, लाइक उसके लिए भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस। लाइक इसके यूज़ से गाइस आप जो है इन डिजीज से आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं गाइस। लाइक ये आपके हार्ट के वीकनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस। लाइक जैसे आपके हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, लाइक अचानक आप डर जाते हैं, लाइक इरेगुलर हार्ट बीट जैसे आपकी रहती है, लाइक आपके जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो एकदम आपकी हार्ट बीट जो है एकदम जो है फ्रीक्वेंट आपकी हार्ट बीट जैसा हो जाती है गाइस, बराबर आपकी हार्ट बीट चलती रहती है। थोड़े से काम से अब जैसे आपको जो है सांस सा फूलने लगता है, लाइक उसके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस। लाइक इनको इस डिजीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाइस। सो गाइस मैं बता दूँ चिल्ड्रन बेड वेटिंग के लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस। सो गाइस आपके बच्चे बिस्तर जैसे गीला करता है गाइस, लाइक जैसे आपके बच्चे का सोते यूरिन जैसा निकल जाता है, लाइक इसके लिए आपको दो छुआरे आपको लेने हैं, वन गिलास आपको मिल्क लेना है, वन गिलास आपको वाटर लेना है, और इन दोनों को जो बात करूँ फ्राईदान में डाल देना है, और ये जो दो छुआरे हैं इनको भी डाल देना है, और इसमें दो आपको छोटी इलायची आपको लेनी है, स्मॉल कार्डमम आपको लेना है, और इसको भी डाल देना है गाइस, और इसको 5 से 10 मिनट तक आपको बॉयल करना है, जब तक इसका हाफ लाइक मिल्क ना रह जाए तब तक आपको बॉयल करना है गाइस ये, और इसको फिर नीचे उतार लेना है, जब ये ठंडा हो जाए फिर अपने बच्चों को ये पिला देना है गाइस। पहले आपको जो है छुआरे खिला देना है, फिर आप ऊपर से दूध पिला देना है। और ये आपको ये प्रोसेस कब तक आपको यूज़ करना है, लाइक ये सॉल्यूशन कब तक आपको यूज़ करना है गाइस, सुबह इसको 1 मंथ तक कंटिन्यू इसको यूज़ करें, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। जैसे आपके बच्चे का जैसे यूरिन जैसा कर देता है, लाइक सोते वक्त उसका पेशाब जैसा निकल जाता है, लाइक बिस्तर जैसे गीला करने की आदत उसको हो रही है गाइस, लाइक बैड वेटिंग की डिजीज उसको हो रही है गाइस, इन डिजीज से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लाइक उसको जो बिस्तर गीला करने की आदत उसकी छूट जाएगी। सो गाइस मैं बता दूँ निपुण सकता के लिए, लाइक जैसे इम्पोटेंसी के लिए, लाइक नामर्दी के लिए, लाइक प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के लिए, शीघ्र पतन के लिए, लाइक जैसे आपको नाइट फॉल जैसा आपको हो रहा है, लाइक स्वप्न दोष जैसा आपको काफ़ी लंबे समय से हो रहा है गाइस, लाइक टाइमिंग बिल्कुल कम है गाइस आपकी, लाइक 1 मिनट से भी कम आपकी टाइमिंग है, जैसे आप अपनी वाइफ के संग सेक्सुअल एक्टिविटीज आप करते हैं गाइस, लाइक आपको जो है जल्दी डिस्चार्ज आपको हो जाता है, लाइक आपको जो सीमेन है बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, पानी जैसा आपका निकलता है, लाइक काफ़ी जैसे आपके स्पर्म काउंट बिल्कुल जो है डाउन है गाइस और बिल्कुल कम है गाइस। सो गाइस इसमें क्या आपको करना है गाइस, इसके लिए आपको जो है 5 आपको जो है बात करूँ छुआरे आपको लेने हैं, और 1 गिलास आपको मिल्क आपको लेना है, 1 गिलास आपको वाटर आपको लेना है गाइस इसमें, और ये फ्राईदान आपको डाल देना है, और इसमें आपको जो 4 से 5 छुआरे जो हैं वो आपको डाल देने हैं, और इसके साथ ही आपको 2 आपको छोटी इलायची आपको लेनी है, लाइक इसमें आपको 2 स्मॉल कार्डमम आपको लेनी है, और इसको जो है 5 मिनट तक आपको बॉयल करना है गाइस, और इसमें आपको 1 स्पून आपको क्या करना है, इसमें आपको कैंडी शुगर आपको डाल देना है, और इसको साइज से लाइक प्रॉपरली इसको मिक्स कर लेना है, लाइक तब तक आपको मिक्स करना है, लाइक जब तक इसका हाफ लाइक इसका बात करूँ
मिल्क ना रह जाए तब तक आपको ये बॉईल करना है गाइस। और ये जब ये सही से पक जाएगा, सही से लाइक ये बॉईल हो जाएगा गाइस, फिर इसको नीचे उतार लेना है। और ये आपको बात करूँ लाइक सोते वक्त आपको यूज़ करना है, जब आपको सोने टाइम हो लाइक जब बेड पर जाने वाले हों लाइक तब आपको यूज़ करना है। लाइक ये ठंडा यूज़ करना है, गर्म आपको बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है। लाइक ल्यूकवर्म आपको यूज़ करना है, निवायस आपको यूज़ करना है। पहले आपको छुहारे आपको खा लेने हैं, ऊपर से फिर आपको दूध पी लेना है। और ये प्रोसीजर आपको बात करूँ 16 डेज तक आपको कंटिन्यू आपको यूज़ करना है। लाइक 2 महीने तक बराबर इसको यूज़ करें तभी आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। जैसे आपको जैसे टाइमिंग बिल्कुल कम है गाइस आपकी, लाइक शीघ्र पतन की बीमारी जैसे आपको लगी हुई है, लाइक इम्पोटेंसी जैसे आपको हो रही है गाइस, जैसे कि निपुण सकता जैसे आपको हो रही है गाइस, लाइक जैसे आपको जैसे नाइटफॉल जैसे आपको हो रहा है, लाइक स्वप्न दोष जैसे आपको हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है, लाइक आपके जो पेनिस है काफ़ी ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और आपके जो पेनिस की वीन है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उनमें बात करूँ ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा, लाइक ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रही गाइस। लाइक इसके यूज़ से आपकी जो ये निपुण सकता की बीमारी है परमानेंटली इस डिजीज से आप डिस्चार्ज हो पाएंगे गाइस। और थोड़ा आपको इसमें जो है अवेयरनेस आपको रखना है, लाइक इसमें आपको बात करूँ एक्सेसिव स्पाइसी फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। लाइक जैसे बात को जो ऑयली से जो होती है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। लाइक बात को इसमें आपको घर में बनी हुई जैसे लाइक एक्सेसिव जो स्पाइसी फूड होते हैं वो भी आपको अवॉइड करना है। लाइक आपको बात करूँ श्योर फूड आपको अवॉइड करने का इसमें, लाइक अल्कोहल आपको इसमें अवॉइड करनी है। लाइक जैसे बात करें इसमें पालक आपको अवॉइड करना है, स्पाइनिस आपको अवॉइड करना है, ब्रिंजल आपको अवॉइड करना है, इसमें मसूर की दाल आपको इसमें अवॉइड करनी है। लाइक जो बादी वाली चीज़ें वो आपको अवॉइड करनी है, लाइक एक्सेसिव स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करने हैं। लाइक इसमें बात करूँ आपको थोड़ा अपनी वाइफ से भी थोड़ा दूर रहना है गाइस, कोई भी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी आपको नहीं करनी है 2 मंथ तक गाइस, आपको जब तक आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, फिर इसके बाद आप इसको जो है लाइक आप कर सकते हैं गाइस। सो गाइस में आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत से आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूँ लाइक हार्ट की वीकनेस के लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, जैसे आपका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, लाइक इरेगुलर हार्ट बीट जैसे आपकी रहती है, लाइक बराबर आपको जैसे कि छोटा जैसा काम करते हैं तो आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हार्ट जैसे आपको धड़कने लगता है, लाइक फ्रीक्वेंट हार्ट बीट जैसे आपको होने लगती है गाइस। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नॉर्मल सॉल्यूशन है गाइस, ये आपको जब बात करूँ 1 से 2 छुहारे आपको खाना खाने के बाद गाइस, और गर्म पानी से आपको लेना है। और जैसे आपको हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है गाइस, लाइक फ्रीक्वेंट हार्ट बीट जैसे हो रही है गाइस, इसके यूज़ से आपकी लाइक हार्ट की जो वीकनेस है, आपकी जो दिल की कमजोरी जैसे आपको हो रही है गाइस, इसके यूज़ से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, और आपकी इरेगुलर हार्ट बीट भी जो है नॉर्मल हो जाएगी गाइस। सो गाइस काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा गाइस। सो गाइस मैं बता दूँ कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, कैसे आपको ड्राई फ्रूट यूज़ करना है। सो गाइस अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिपेशन डिजीज़ के लिए, लाइक कब्ज़ रोग के लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस, सो गाइस नॉर्मल से सॉल्यूशन है गाइस, इसके लिए आपको 3 छुहारे आपको लेने हैं, वेद आपको ल्यूक बर्बर आपको यूज़ करना है, 1 गिलास आपको पानी लेना है, निवाय पानी आपको लेना है, और ये आपको मॉर्निंग टाइम आपको यूज़ करना है, फास्टिंग आपको यूज़ करना है, लाइक खाली पेट आपको यूज़ करना है, सुबह के वक्त आपको यूज़ करना है। पहले आपको छुहारे अच्छे से चबा चबा के खा लेने हैं, फिर ऊपर से आपको 1 गिलास पानी पी लेना है गाइस, निवाय पानी आपको पी लेना है, और ये आपको डेली आपको यूज़ करना है, रोज़ाना आपको यूज़ करना है गाइस, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। लाइक जैसे आपको हार्ड स्टूल जैसे आपको आ रहे थे, ड्राई स्टूल जैसे आपको आ रहे थे गाइस, डिफिकल्टी स्टूल जैसे आपको आ रहे थे गाइस, इनफ्रीक्वेंट स्टूल जैसे आपको आ रहे थे, कभी कभी आपको स्टूल जैसे आपको आते थे, कभी कभी आप जैसे फ्रेश आप हो पाते थे गाइस, इसके यूज़ से जैसे कि आपको जो है हार्ड स्टूल जैसे आने बंद हो जाएंगे, लाइक ड्राई स्टूल जैसे आपको आते वो भी बंद हो जाएंगे गाइस, लाइक जैसे कि आपको जो डिफ़िकल्टी स्टूल जैसे आपको आ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे, लाइक जैसे आपका पेट आपका सही से साफ़ हो पाएगा। लाइक ये बात को एक लैक्सेटिव सॉल्यूशन है, पेट साफ़ करने के बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है गाइस, लाइक ये परगेटिव जो बात करें सॉल्यूशन है गाइस, कब्ज़ नाशक की बात करें जो एक सॉल्यूशन है गाइस। सो गाइस मैं बता दूँ प्री मच एजाकुलेशन के लिए कैसा आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, लाइक शीघ्र पतन के लिए कैसा आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस, जैसे कई मैं बात करूँ ये जो मेंस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाइस बीमारी, लाइक आदि में सबसे ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है गाइस। सो गाइस इसके लिए आपको जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक आपको ये सॉल्यूशन यूज़ करना होगा, लाइक ये लंबे समय तक आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस, ये बात करूँ मिनिमम आपको 3 महीने बराबर इसका यूज़ करना है। लाइक इसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 आपको छुहारे आपको लेने हैं, और इसमें आपको क्या करना है गाइस, आपको 300 ग्राम को इसमें आपको जो है मिल्क आपको लेना है। लाइक इसमें आपको जो है आप फुल क्रीम आप जो है मिल्क यूज़ आप कर सकते हैं, जो आप जो है थैली वाला भी इसमें यूज़ आप कर सकते हैं, लाइक इसमें बात करूँ आप बफेलो वाला भी यूज़ आप कर सकते हैं, लाइक गाय का दूध भी इसमें यूज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो भी आप इसमें यूज़ आप कर सकते हैं। और ये आपको जो है बात करूँ बॉयल करना है इसमें, लाइक इसके ऊपर 3 से 4 छुहारे आपको डाल लेना है, और ये 5 से 10 मिनट तक आपको बॉयल करना है, जब अच्छे से पक जाएगा इसे, लाइक ये सही से बात करें छुहारे सही से
बात करूँ पक जाएँ, फिर आपको ये यूज़ करना है। और ये आपको जब सिर्फ रात में यूज़ करना है, सोते वक्त आपको यूज़ करना है, लाइक आप जब सोने वाले हो जब आपको यूज़ करना है, और 3 महीने तक बराबर आपको यूज़ करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। लाइक आपकी शीघ्र पतन की बीमारी जो है परमानेंटली ठीक हो जाएगी। लाइक जैसे आपकी टाइमिंग कम थी बिल्कुल ही, लाइक टाइमिंग ना के बराबर थी, इसके यूज़ से आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। लाइक जैसे कि कई बार ऐसा, जैसे कई बार देखा जाता है कि लाइक जो स्प्रम होते हैं लाइक वो भी कम हो जाते हैं, लाइक स्प्रम काउंट जैसे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसके यूज़ से गाइस आपके स्प्रम काउंट भी जैसे लाइक इंक्रीज होंगे, आपके जो स्प्रम बढ़ेंगे गाइस इसके यूज़ से गाइस। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, स्पेशली मेंस के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। सो गाइस मैं बता दूँ, कई बार देखा जाता है कि बच्चों में जैसे कि खांसी जुकाम, लाइक जैसे कि छींकें आने लगती है, लाइक रनी नोज जैसे होने लगता है, लाइक जैसे कि फीवर उनको आने लगता है, लाइक कैसे आपको ये सॉल्यूशन यूज़ करना है। सो गाइस मैं उसके लिए बता दूँगा, सो गाइस इसके लिए आपको लाइक आपको 102 आपके छुहारे आपको लेने हैं, और आपको देसी घी में आपको भूनना है, और ये आपको जो है बात करूँ रात में आपको यूज़ करना है। लाइक इसको बात करूँ विद आपको मिल्क आपको यूज़ करना है, हल्का निवाया आपको जो इसमें दूध आपको यूज़ करना है, और अपने बच्चे को आप दे सकते हैं। इसके यूज़ से गाइस आपके बच्चे की सर्दी जुकाम की जो शिकायत जैसा हो रही थी गाइस, जैसे कि इसको नज़ला जैसा हो रहा था, लाइक जैसे कोई छींक जैसे उसको आ रही थी गाइस, इसके यूज़ से ये बीमारी ठीक हो पाएंगी, और इनसे डिस्चार्ज हो पाएगा, जो कि आने वाले टाइम जैसे बात करूँ विंटर सीजन में इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगती है। लाइक इसके यूज़ से काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूँ लेडीज़ों के लिए कैसे आपके सॉल्यूशन यूज़ करना है, कई बार देखा जाता है लेडीज़ों में, मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, लाइक मेंसेस आने की शिकायत जैसे रहती है, लाइक मेंसेस उनको सही नहीं आते हैं, लाइक उनको बात करूँ मासिक धर्म प्रॉपरली आ नहीं पाते हैं गाइस, और पेनफुल मेंसेस उनको आते हैं, इन्फ्लुएंस जैसे उनको मेंसेस आते हैं गाइस, इरिटेबल मेंसेस जैसे उनको आते हैं, काफ़ी दर्दनाक जैसे कि उनको जो मेंसेस उनको आते हैं गाइस। सो गाइस इसके लिए कैसे आपको ये सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस, सो गाइस इसके लिए आपको बात करूँ 102 आपको छुहारे आपको लेने हैं, 3 भी आप ले सकते हैं गाइस, और ये आपको जो विंटर सीजन में आपको यूज़ करना है, और ये बात करूँ आपको जो है विद आपको जो मिल्क यूज़ करना है गाइस, और ये आप जो है सुबह शाम इसको यूज़ करें। इसके यूज़ से बात करूँ मेंसेस भी आने सही है, लाइक उनको प्रॉपरली मेंसेस उनको आने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक जैसे मेंसेस उनको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल आते थे, लाइक इन्फ्लुएंस जैसे मेंसेस उनको आते थे, इरिटेबल जैसे मेंसेस उनको आते थे, लाइक इसी वजह से उनको कॉलिक पेन जैसे रहता था, लाइक बैक पेन जैसे उनको रहता था, लाइक उनको हेडेक जैसे उनको रहता था, सिर दर्द जैसे उनको रहता था। इसके यूज़ से गाइस बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली मैं बात करूँ लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है गाइस ये। लाइक मैं आपको सोगाइज में बता दूँ ये जो है लाइक हेडेक के लिए कैसा भी सॉल्यूशन का यूज़ आप कर सकते हैं, लाइक सिर दर्द के लिए कैसे भी सॉल्यूशन का यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। सो गाइस जैसे बात को सिर दर्द के लिए आपको इसके जो है लाइक ये आपको छुहारा आपको यूज़ आपको नहीं करना है, इसके लिए आपको जो इसके जो गुठली होती है लाइक वो आपको यूज़ करनी है, और ये आपको जो है सिल के बट्टे पर पीस लेना है, और इसका जो है सही से पीस लेना है, सही से इस बात को इसको जो है ग्राइंडर कर लेना है, और ये आप जहाँ पे आपको जैसे बात को सिर दर्द जैसे आपको हो रहा है गाइस, फिर आपको जो अपने सिर पे आपको लेप कर लेना है गाइस, और ये आपको डेली आपको यूज़ करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा गाइस, सिर दर्द से भी आपको राहत मिलेगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूँ कितनी टाइप के इसमें विटामिन पाए जाते हैं, कितनी टाइप के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं गाइस। सो गाइस बात करूँ से पोटासियम इसमें होता है, कैल्शियम इसमें होता है, कॉपर इसमें होता है, आयरन इसमें होता है, जिंक इसमें होता है, मैग्नीशियम इसमें होता है, मैग्नीशियम इसमें होता है, लाइक ये बात करूँ सेलेनियम इसमें होता है, डाइट्री फाइबर इसमें होते हैं गाइस, लाइक इसमें ग्लूकोज की क्वान्टिटी सबसे ज़्यादा होती है गाइस इसमें, लाइक ये बात करूँ इसमें विटामिन B5 इसमें होता है गाइस। सो गाइस मैं बात करूँ इसमें इतने टाइप के इसमें विटामिन पाए जाते हैं, इतने टाइप के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं गाइस। सो गाइस मैं बता दूँ इंजुरीज के लिए लाइक वाउंड के लिए कैसे आपको ये सॉल्यूशन यूज़ करना है, जैसे आपको घाव जैसे आपको हो रहे हैं गाइस, जैसे आपको चोट जैसे आपको लगी हुई है गाइस कहीं पे भी, उसके लिए कैसे आपको ये सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपके जो छुहार की जो गुठली होती है लाइक वो आपको यूज़ करना है, और ये आपको जो सिल के बट्टे पर पीस लेना है, और इसमें थोड़ा आपको जो है पानी आपको डाल लेना है, और सही से पीस लेना है, इसका ग्राइंडर कर लेना है गाइस, और फिर जहाँ पर आपको चोट जैसे आपको लगी हुई है गाइस, जैसे घाव जैसे आपको हो रहे हैं गाइस, वहाँ पर आपको ये लेप करना है, जब तक आपको लेप करना है उतने दिन तक आपको लेप करना है, जब तक आपको ये घाव ठीक ना हो पाए, लाइक जैसे आपको जो है आपको जैसे घाव आपको हो रहा है गाइस, लाइक जैसे आपको चोट जैसे आपको लगी हुई है गाइस, जब तक आपको यूज़ करना है, और ये आपको ये चोट है जाएगा जैसे आपको घाव जो हो रहा है गाइस, इस ये जो आपको ठीक हो जाएगा, और इजली सब डिस्चार्ज हो पाएंगे गाइस। सो गाइस हम बता दूँ गाइस डाई सिस्टम के लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, लाइक आइज विजन के लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, लाइक ये वीकनेस के लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस, लाइक जैसे कैल्शियम कमी है आपके शरीर में जैसे हो रही है गाइस, आपकी जो बोन है काफ़ी वीक हो रही है गाइस, आपकी जो हड्डियाँ हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, उसके लिए कैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है गाइस। सो गाइस इसके लिए आपको नॉर्मल सॉल्यूशन है गाइस,
इसको आप जो है डायरेक्ट भी आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको इसको जो है डेली में यूज़ करें, एक छुहार आपको जो है खाना खाने के बाद यूज़ करें, और इसको जो है विद मिल्क भी यूज़ आप इसको कर सकते हैं गाइस, और रात में इसको यूज़ करें। और इसके यूज़ से आपके जो बोन में वीकनेस आपको आ रही है, आपकी जो बोन है बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, कमज़ोर जो हो चुकी हैं आपकी जो हड्डियाँ हैं, उसके यूज़ से आपकी बोन में वीक होंगी, और आपके जैसे कि जैसे आपका वेट बढ़ नहीं पा रहा, जैसे वेट आपका गेन नहीं हो रहा गाइस, जिससे आप दुबले पतले हैं जैसे आप हैं गाइस, और डेबिलिटीज आपको आपके जो बॉडी में आपको हो रही है गाइस, इसके यूज़ से आपके दुबलेपन की भी जो शिकायत आपको हो रही है वो भी ठीक होगी। लाइक जैसे आपके जो पाचन क्रिया है वो भी ठीक होगी, आपके डाइजेस्ट सिस्टम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके यूज़ से गाइस। जो भी मैंने आपको डिजीज आपको बताई है गाइस, इसको आप यूज़ आप कर सकते हैं, नॉर्मली इसका यूज़ आप कर सकते हैं, डेली में इसका यूज़ आप कर सकते हैं गाइस, कोई भी आपको साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस सॉल्यूशन है गाइस, क्योंकि एक बात कोई नेचुरल है गाइस, एक ड्राई फ्रूट है गाइस। सो गाइस मैंने सॉल्यूशन के लाइक इस ड्राई फ्रूट की आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया गया। सो गाइस मैंने लिटरली मैंने आपको मेंशन कर दिया गाइस, पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया गया इसके बारे में। सो गाइस जो वीडियो है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, सो गाइस आप सभी के लिए बात करें एक जो है यूज़फुल वीडियो है, लाइक क्रिटिकल बात करें सॉल्यूशन है गाइस ये। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई से भी डालते रहता हूँ गाइज, लाइक डिजीज से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइज, लाइक सॉल्यूशन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइज, लाइक मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइज, लाइक होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइज, लाइक एलोपैथी मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ, लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइज। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँ, ऐसे वीडियो लाता रहूँ गाइज। सो गाइज आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट बिलो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर एंड डू स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर। सो गाइज प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड काइंडली हिट द बेल आइकन बटन फॉर वॉच मोर वीडियोज़। सो गाइज कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड कीप योर सेल्फ सेफ, सो अंटिल यू स्टे कनेक्टेड विद अस, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो गाइस थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करना भूलें, और हमें सपोर्ट जरूर करें गाइस।